हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। तो कैसे आप लोग रीड की तैयारी करोगे? जिन बच्चों ने अब स्टार्ट की है तैयारी, वो ये अक्सर यह पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी अब हम स्टार्ट करें तो क्या इन 3 महीनों में हमारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है आप लोगों की तैयारी, लेकिन आपको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ को सेट करते हुए चलना है, तब आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि जो बच्चे 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत मज़बूत है और हमारी जो है वो नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम की डेट जैसे ही आती है, उस बात को सुनकर, उस डेट को सुनकर हम तैयारी में इस अच्छे तरीके से लग जाते हैं कि 2 सालों की तैयारी को हम कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कैसे वो तैयारी जो है वो कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले खुद पर कॉन्फिडेंस जो है वो आपका होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप लोग तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम जो है वह सितंबर में है, आप लोगों के पास टाइम है, अब भी आप एग्ज़ाम को क्रैक करके बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। आपको पता है सरकारी टीचर बनना जो है वो आसान नहीं होता है, लेकिन जितनी अच्छी जॉब जो है वह सरकारी होती है उसका मुकाबला प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से जानते हो और जान भी चुके हो, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वह प्राइवेट में जॉब करते भी होंगे, उन्हें इस चीज़ का एहसास भी होगा। तो इसी के लिए मैं आज आपको ये बताऊँगी कि इन जो भी ये 2.5-3 महीने हैं इनमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कैसे कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ना हर चीज़ को इकट्ठा करके और तैयारी करेंगे। यदि माहौल नहीं बन पा रहा है तो भी आपको माहौल वो बनाना है पढ़ाई का, क्योंकि टीचर आप बनोगे, इतनी अच्छी सैलरी पर आप अपना काम जो है वो कर पाओगे और फिर आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से लाइफ जो है वो आपकी बहुत अच्छे से चल पाएगी कि हाँ मैंने जो है वो इतनी मेहनत की तो वो सफल हो पाई। तो देखिए मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन केवल मेहनत जो है वो ऊटपटांग तरीके से कर ली जाए ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल तरीके से यदि आप करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य जो है वो आपका 100% सक्सेस होगा। और क्यों नहीं होगा, इंसान ही है जो कि हर कार्य को करता है, वो एग्ज़ामिनर जो है वह भी इंसान ही होगा जो कि आपका एग्ज़ाम लेगा, जिसने आपका पेपर सेट किया है। तो हम भी इंसान ही हैं, इसीलिए खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखकर और फिर तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कि तैयारी जो है वो कैसे करें, कैसे कवर करें सारा सिलेबस। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है स्टडी मटेरियल को, जो भी अध्ययन सामग्री है उसको आपको कलेक्ट करनी है। किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए हमें हमेशा क्या करना होता है, अच्छी अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग रीट परीक्षा के लिए जो भी बुक्स होती हैं उनका चयन करें। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि कहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन जो है वो शायद आपका काम बन जाए, जो बच्चे ऑफलाइन से, जिनको इंटरेस्ट रहता है कि हम ऑफलाइन में ही पढ़ेंगे तो वह भी शुरू हो सकती है, लेकिन अभी ऑनलाइन का ही आप लोग लाभ उठाइए, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। सिलेबस जो है वो आप लोगों ने देख ही लिया है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो आप क्या करें, उन बुक्स को इकट्ठा करें। जैसा कि आपको पता है RBSC की बुक्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है RBSC की बुक्स, कई बार मैंने इस चीज़ को बताया है। तो कलेक्ट कर लेते हैं आप स्टडी मटेरियल को, यूट्यूब चैनल से भी करते हैं, PDF भी लेते हैं, जहाँ से भी आप जो भी करते हैं, आपने क्या किया, सबसे पहले अध्ययन सामग्री को इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट आपका काम क्या होगा कि अब जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आपको देखना है। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले सभी रीट कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान दीजिए। तो वो आपको क्या मदद करेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि इससे पहले जो सिलेबस था वो आपको पता है अलग था,
अब सिलेबस में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हटा दी गई हैं, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, उनको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एक आपको शेड्यूल बनाना है, आपको अध्ययन के लिए एक उचित कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। अपने समय को सभी सब्जेक्टों में आपको क्या करना है, बांटना है। और फिर जिन विषयों में आप बहुत कमज़ोर हैं उनको सबसे ज़्यादा बेस्ट देना है, उन पर ज़्यादा टाइम देना है। खुद के नोट्स जो हैं, जो बच्चे कहते हैं कि क्या हम अब नोट्स बनाना स्टार्ट करें, हो जाएंगे नोट्स, बिल्कुल स्टार्ट कर दें आप बनाना, लग जाएं जोरों शोरों से। कई बार मैंने आपको बताया है 6-7 घंटे जो हैं वो आप पढ़ते हैं, तो बिल्कुल नोट्स बनाकर, खुद के नोट्स बनाकर यदि आप पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद करेंगे, क्योंकि खुद के हाथों से ही लिखी हुई चीज़ एग्ज़ाम टाइम में जब रिवीजन करते हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी याद हो जाती है, रिवाइज़ भी बहुत जल्दी होती है और उसे हम भूलते भी नहीं हैं। और जो भी मेन पॉइंट होते हैं उनको हाईलाइट करिए, ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो वह केवल उन बिंदुओं को आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो जल्दी से याद हो जाएंगी। इतने बड़ा सिलेबस होता है, कम टाइम में रिवीजन जो है वो इसी तरीके से होती है। नेक्स्ट, आप लोगों को मैंने बताया है कि PDF जो है वो बच्चों ने परचेज़ की है, काफ़ी बच्चों ने परचेज़ की है। यदि इन बहुत सारी बुक्स जो हैं वो भी आप कलेक्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों का, देखिए सीधी सी बात है कि खर्च बहुत ज़्यादा होता है, और PDF जो है उसका अमाउंट आपको पता है 499 रुपये मात्र है। RBSC की आपको 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप कैसे याद करोगे वो चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है। कैसे मिलती है वो बात हम पहले कर चुके हैं, और उसके लिए काफ़ी बच्चे जो हैं वो परचेज़ कर चुके हैं, याद भी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा भी हो रहा है। 101% उनको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ सिलेबस में है वही चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस की, हार्ड प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वही इंसान को परफेक्ट बनाती है। इसलिए हमें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आप पढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो सोने से पहले उसको रिवाइज़ जो है वो आपको करना है, ठीक है, जिससे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जो छूट जाती हैं तो वो चीज़ आप रिवाइज़ कर पाओ। नेक्स्ट जो अंतिम बात जो है वो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, समय का पाबंद होना, समय का प्रबंधन करना, ये आपको तो सीखना ही है। जिसने इस चीज़ को सीख लिया उसका काम समझो बन गया, क्योंकि आप सारे बुक्स इकट्ठा कर लें, नोट्स इकट्ठा कर लें, सिलेबस आप 10 बार देख लें, लेकिन आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हैं, और कभी आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, कभी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आपका काम नहीं बनने वाला है। ये बिल्कुल एकदम सही बात है, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। समय का पावन जो है वो आपको होना ही है। आप कभी आप ऐसा करते हैं क्या कि एक दिन में आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं और दूसरे दिन में जो है वो बहुत कम खाते हैं, या तीसरे दिन में फिर ज़्यादा और फिर कम? ऐसा नहीं होता है। भूख जो है वो आपको बिल्कुल टाइम पर ही लगती है, क्योंकि आप बचपन से इस चीज़ को करते आ रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में आ गई है कि हाँ, टाइम देखते ही पता लग जाता है कि हम इस टाइम खाना खाते हैं और अब हमें खाना खा लेना चाहिए। इसी तरीके से आपको स्टडी के बारे में भी ध्यान देना है, समय का आपको प्रबंधन ऐसा करना है कि आपका सिलेबस टाइम रहते पूरा हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, और एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आपको यही कहना है कि हमारा सिलेक्शन तो होगा। ये नहीं कहना है कि पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम तो हमने दे दिया, नहीं, आपको ये कहना है अंत में कि सिलेक्शन तो हमारा हो जाएगा, अब हमें तो ये सोचना है, ये डिसाइड करना है कि हमें जिला कौन सा चयन करें, ये चीज़ आपको सोचनी है।
तो तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से लेकर अंत तक इस तरीके की ही करनी है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, क्योंकि इतना सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना यही काफ़ी नहीं होता है, उसको अप्लाई करना ये होता है बिल्कुल सही काम। तो आज से बिल्कुल ध्यान लगा लें कि हमें स्टार्ट करना है, 1 जुलाई से काम में लग जाना है। अब तक जो पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो लोग भी बिल्कुल 1 जुलाई से पहले ही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल जो है बिल्कुल फिक्स कर लें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बिल्कुल ध्यान में लगा लें। उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम तैयारी जो है वो अब हम कैसे करें, या हम कौन सी बुक्स लाएं, या हम क्या चीज़ पढ़ें, कुछ नहीं सोचना है। केवल और केवल क्या करना है, पढ़ना है। ना ही किसी रिश्तेदारों के यहाँ घूमना है, ना ही टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि जितना टाइम जो है वो आपने इन महीनों में लगा लिया, इन समय में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, आपका जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा, आपकी जो फैमिली है वो भी आपसे हमेशा खुश रहेगी, और आप हम सरकारी टीचर बनने के बाद इतना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे आप जितना आज तक आपने नहीं किया होगा। क्योंकि देखिए वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि सरकारी शिक्षक बनना जो है आज के टाइम में कठिन उन बच्चों के लिए है जो पढ़ाई नहीं करते हैं। पढ़ाई नहीं करके और केवल फॉर्म ही डाल देना, इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। कई बच्चे घबराते हैं, 16 लाख बच्चे पहले थे, EWS के फॉर्म भर जाएंगे, कम से कम 18-19 लाख बच्चे और हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मानिए। इन इतने सारे बच्चों में ये सोचिए आधी भीड़ जो है वो केवल फॉर्म फिल करके और छुट्टी मनाती है, और जो आधी भीड़ है वो पढ़ाई पर फोकस करती है। तो आप खुद ही सोचिए, कंपटीशन जो है वो आधी भीड़ के साथ है आपका, उन आधी भीड़ के साथ नहीं है जो केवल फॉर्म भर के बैठ गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, सिलेक्शन आपका होगा ही, पक्का होगा, बस खुद पर कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं खोने देना है। तो चलिए इसी तरीके से तैयारी जो है वो करते रहिए, YouTube चैनल से जुड़े रहिए, YouTube चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जा चुके हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो कि रीट के बच्चों के लिए नहीं है, हर वीडियो आप लोगों को पढ़ना है। और जो भी आप लोगों को PDF मिली हुई है उससे बार बार क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करिए। टेस्ट जो है वो आपके लिए जाएंगे, कुछ टाइम थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था इस वजह से आपके टेस्ट जो है वो नहीं ले पाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, 1 जुलाई के बाद से हम लोग टेस्ट जो है दोबारा से नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस जो है वो अंतिम टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाए और रिवीजन भी स्टार्ट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फुल मोटिवेशन के साथ, थैंक यू।